नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो टेक्निकल जेबिया चैनल। मैं हूं जित। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप इलीगल वे से यूएसए पहुंच जाते हो तो यूएसए में एंटर होने के बाद आपके सामने क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों ने जिन्होंने ये वीडियोस देखे मेरे यूएसए की डोंकी के लिए, तो उनको यूएसए जाना है, तो उन्होंने काफी मेल किया मुझे और कमेंट भी किया है कि भाइयों कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको बताऊं कि किस तरह से वो यूएसए अगर इंटरव्यू होते हैं, अगर मैक्सिको का बॉर्डर क्रॉस करके, तो वो किस तरह से यूएसए जा सकते हैं। तो भाई उनके लिए वीडियो है, तो जिनको यूएसए की डंकी या इलीगल वे से यूएसए कैसे जाते हैं उनको बिल्कुल नहीं पता है, तो अगर आप जानना चाहते हो तो ये आपका ही चैनल है टेक्निकल जेबीआर, उसके अंदर जाइए। दो वीडियोज ऑलरेडी अपलोड है, आप वो दो वीडियोज देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलो भाइयों, मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों, अगर आपको जाना है इलीगल वे से, तो मेरी तो जो राय है आप मत जाइए, क्योंकि इलीगल वे बहुत रिस्की होता है। अगर जिनको मैक्सिको का वीज़ा लेके फिर वो जंप करके बॉर्डर मैक्सिको बॉर्डर क्रॉस करके यूएसए में जाना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो है भाइयों, सुन लीजिए। आपके पास सबसे पहली बात $40,000 होनी चाहिए, क्योंकि 10 to 30,000 डॉलर के बीच में आपको फाइन होने वाला है वहाँ पे, और $30,000 तो होने चाहिए, प्लस $10,000 आप अपने पास रखें सेफ्टी में, क्योंकि वहाँ के एडवोकेट की फीस क्या है वो आपको भी नहीं पता, और एग्जैक्टली वो कितना ले सकते वो भी नहीं पता, क्योंकि वो 3 ईयर का फीस लेते करीबन $10,000 एग्जाम में। तो ये, और जो कोर्ट की बात है, वहाँ पे जब आप बॉर्डर क्रॉस करके जाओगे तो आपको खुद को सरेंडर करवाना होगा। जब सरेंडर करवाओगे उसके 30 से 45 डेज में आपका केस फाइल होगा। केस फाइल होने के बाद, उस केस फाइल होने के बाद और उससे पहले क्या पूछा जाएगा कि आप टेररिस्ट तो नहीं हो, आप क्यों आए हो यूएसए में, किस लिए आए हो, क्या रीजन है, आपको फुल ऑन टॉर्चर किया जाएगा। टॉर्चर करने के बाद आपका मकसद उन्हें पता चलेगा, हाँ ये बंदा सही है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं हमारे कंट्री को, तब जाके आपको वहाँ पे 45 डेज बाद केस फाइल होने के बाद, 30 to 45 डेज के बाद केस फाइल होने के बाद आपको वहाँ पे वर्क मिलेगा। आपको मतलब वर्क वो नहीं देंगे, आप जाओ ढूंढो और आपको काम मिलेगा। आप सोचोगे आप प्रोफेशनल को सॉफ्टवेयर डेवलप करो, आप कोई प्रोफेशनल हो, तो आप सोचोगे आपको कोई भी जल्दी वहाँ पे काम नहीं देगा, क्योंकि हर कोई वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेगा, आप अपने डॉक्यूमेंट्स दो, फिर आप डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दे सकते, तो फिर आपको वो काम करने पड़ेगी जो बाकी लोग नहीं करते, जैसे हमाले का काम हो गया या छोटे मोटे काम हो गए, तो वो आपको काम मिलेगा, उसे पहले एक्सपेक्ट मत करना। और ये जो केस है वो 3 to 4 ईयर तक चलने वाला, उसके बाद क्लोज होगा, उसके बाद भी श्योर नहीं है कि आपको वहाँ का परमानेंट वीज़ा या मतलब परमानेंट पासपोर्ट मिलेगा। और दूसरी मिस्टेक जो जाते हैं डंकी क्रॉस करने, मतलब बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जाते टाइम, आप एक मिस्टेक्स मत करना, वो मिस्टेक्स होती है अपने डॉक्यूमेंट्स। अगर आप इंडिया से कुछ भी डॉक्यूमेंट लेके गए, सारे के सारे डॉक्यूमेंट या तो आप पोस्ट कर लीजिए इंडिया को, या जिस भी कंट्री से आए अपने उस कंट्री को अपने सारे डॉक्यूमेंट पोस्ट कर लीजिए। याद रखिए आपके पास एक भी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ हो गए तो फिर आप समझिए वहाँ हमेशा अगले परमानेंट बैन हो गए कि आप क्यों आए, बहुत ज़्यादा इंक्वायरी होगी, बेटर आप कर दीजिए। उसके बाद आप सोचोगे कि मैं वो डॉक्यूमेंट्स वापस मंगा सकता हूँ कुरियर से, ये सब मंगा सकते हो, पर अगर आप पासपोर्ट मंगा रहे तो एक चीज़ याद रखिए, अगर आप पासपोर्ट उस कंट्री के लिए मंगा रहे तो वापस यूएसए में समझो वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे मैं इंडिया के लिए, तो नहीं होगा, क्योंकि आपके कंप्लीट फिंगरप्रिंट्स और कंप्लीट सब चीज़ें ना उनके सिस्टम में रिकॉर्ड कर ली जाएगी। अगर आपका पासपोर्ट अगर वीज़ा के लिए अप्लाई भी करता है, अगर आप इंडिया से कुरियर से वापस मंगाते हो, तो फिर डबल इंक्वायरी आपके ऊपर हो जाएगी। तो भैया ये तो गलती करने ही मत, फिर दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है वापस मैक्सिको में इंटर करो, और मैक्सिको में इंटर करने से पहले भी ना वहाँ का पासपोर्ट होना चाहिए, मतलब पासपोर्ट पे वीज़ा लगा होना चाहिए। तो भाई ये दोनों तरफ से रिस्क तो आपको झेलना ही है। हाँ वहाँ पे ठीक है, आप अगर अपने आपको सरेंडर कर लो तो बात अलग है। तो ये भाइयों उनके लिए है कि आप सोच रहे हो यूएसए में अच्छा खासा मिलेगा मनी, तो ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। हाँ वहाँ की करेंसी के हिसाब से $2,000 है वो मिनिमम सैलरी इंडिविजुअल की होती है, पर कैपिटल इनकम वहाँ की बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आपको इनकम वहाँ पे अच्छी खासी मिलेगी, पर ये श्योरिटी नहीं है। मतलब आप एक बार चले गए तो अपनी फैमिली से समझो कि 7-8 साल तक मिलने का कोई गुंजाइश नहीं है। अगर भाइयों आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है, और जिन भाइयों के और भी मेरे दो डोंकीज के वीडियो देखने हैं, मतलब यूएसए इलीगल वे से जाते हैं तो उनको कितनी सारी प्रॉब्लम फेस होती है, और बीच में ही वो डेड हो जाते हैं, वो कैसे क्या होता है, वो आप मेरी वीडियो मेरे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहाँ पर आप क्लिक करके कर सकते हो। मैं आपके लिए हमेशा लेके आऊँगा कुछ ना कुछ न्यू और खास, और खास करके आप मेरे टेक्नोलॉजी के कुछ न्यू वीडियोस अपलोड होने वाले हैं। तो जिन भाइयों ने अब तक हमारे चैनल को, मतलब आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो टेक्निकल जेबीआर पे आप जाइए और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और भी अच्छा लगे शेयर कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको कुछ भी हेल्प चाहिए
आप मुझे मेल भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्निकल JBR।